मित्रों नमस्ते, आइए हम बलराम चौरसिया ऑर्लॉजी बीएल नॉलेज पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं एडवर्ब के बचे हुए पार्ट को। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब का निर्माण कैसे होता है। उसके पहले आज 29 मार्च है, 29 मार्च का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं एक नजर में। 29 मार्च 1982 को एनटी रामा राव द्वारा तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी। 29 मार्च 2004 को कार्यस्थल पर दुनिया का सबसे पहला देश धूम्रपान निषेध करने वाला आयरलैंड बना था। मतलब आयरलैंड कार्यस्थलों पर धूम्रपान निषेध करने वाला विश्व का पहला देश बना था। 29 मार्च 2008 को 370 शहरों में, विश्व के 370 शहरों में अर्थ आवर मनाया गया था। देखिए 29 मार्च 1549 ईस्वी को ब्राजील की पहली राजधानी साल्वाडोर द वहिया की स्थापना हुई थी। 29 मार्च 1913 को हिंदी कवि एवं लेखक भवानी प्रसाद का जन्म हुआ था। आइए इसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए पहला नियम है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड मोस्टली बाय एडिंग एलवाई इन एडजेक्टिव। अधिकांशतः मैनर ऑफ एडवर्ब मतलब गुणवाचक क्रिया विशेषण का निर्माण एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से होता है। जैसे देखिए ऑनेस्ट, यह चरित्र को दर्शा रहा है, मैनर को दर्शा रहा है, इसमें एल वाई ये एडजेक्टिव है, एल वाई जोड़ दिए तो ऑनेस्टली ये एडवर्ब बन गया। क्लीवर में एल वाई जोड़े तो क्लेवरली ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव है। काइंड में काइंडली ये एडवर्ब हो गया। वाइजली, क्विकली, स्विफ्टली, फुलिशली, ब्यूटीफुली, ये सभी एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए इसका पहला स्टेप देखिए आगे बढ़ाते हुए, वेन एनी एडजेक्टिव इज एंडेड बाई वाई एंड बिफोर वाई देयर इज ए कॉन्सोनेंट, देन चेंज वाई इंटू आई एंड एड एल वाई फॉर एडवर्ब फॉर्मेशन। कह रहा है किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलिए और एल वाई जोड़िए एडवर्ब बनाने के लिए। तो देखिए वाई को आई में बदल दिए और एल वाई जोड़ दिए क्योंकि वाई के पहले पी कॉन्सोनेंट है। देखिए हैवी भी कॉन्सोनेंट है, वाई को आई में बदल दिए, एल वाई जोड़ दिए, हैवली हो गया, ये एडवर्ब हो गया। रेडीली हो गया, रेडी में एल वाई जोड़ दिए। अब देखिए व्हेन एनी एडजेक्टिव इज एंडेड बाय एल ई, जब किसी एडजेक्टिव के अंत में एल ई हो तो ई को हटा दीजिए और एल वाई जोड़ के उसका एडवर्ब बना लीजिए। जैसे देखिए सिंगल, अंत में ई है, ई को हटाइए एल वाई जोड़िए, सिंगली, ये एडवर्ब हो गया। डबल ई हटा दीजिए, एल वाई जोड़िए, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव है। अब देखिए सम एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाई नाउन एंड दीज क्वालिफाई एंड एज एडजेक्टिव। कुछ एडवर्ब्स का निर्माण नाउन से होता है और वह एडजेक्टिव के जैसे विशेषता बतलाने का काम करते हैं। जैसे कि सम टाइम, सम टाइम देखिए मोहन लाफ्स सम टाइम, लाफ का यह विशेषता बतला रहा है कि कभी कभी हंसता है। मीन टाइम यह विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। मीन वाइल, यस्टरडे, मिड डे, अदरवाइज, ये टाइम ऑफ एडवर्ब्स भी हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम भी हैं, दर्शा रहे हैं कि बीते हुए कल इस समय को दर्शा रहे हैं। तो ये विशेषता बतलाने के एडजेक्टिव पे जैसे भी काम करते हैं। देखिए सम टाइम, ये सभी एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद सम टाइम एडिंग ऑफ ए बिफोर नाउन, नाउन के पहले कभी कभी ए जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे कि फुट में ए जोड़िएगा, अ फुट हो जाएगा, मतलब पैर पर। बेड में ए जोड़िएगा, बेड हो गया। स्लीप में ए जोड़िएगा, स्लीप मतलब सोया हुआ। हेड में अहेड जोड़िएगा, आगे। ब्रोड में ए जोड़िएगा, ब्रोड हो गया। वे में अवे जोड़िएगा, रास्ता हो गया। ये देखिए मिक्सचर ऑफ प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव ऑल्सो प्रेजेंट्स एडवर्ब्स। कह रहा है प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव के मिश्रण से भी एडवर्ब्स बनाए जाते हैं। देखिए लाउड, ए लाउड, ए जोड़ के लाउड बन गया। एब्रोड, अलोंग, एनयू, ये सभी मिश्रण है। बी और लो, देखिए दो शब्दों का, बियॉन्ड, बी और योंड, इसी तरह से मिश्रण से भी ये सभी एडवर्ब बने हैं। ये देखिए मिक्सचर ऑफ प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के मिश्रण से भी एडवर्ब का निर्माण होता है। जैसे देखिए विथ इन, विथ बना है विथ और इन से। विथ क्या हो गया प्रीपोजिशन और इन क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब ये जगह को दर्शा रहा है, ये प्रीपोजिशन है। विथ और आउट, विथ प्रीपोजिशन हो गया, आउट हो गया क्या ये एडवर्ब। बिफोर में देखिए बी और प्लस फोर, बीनीथ में बी प्लस नीथ बना है।
तो विदाउट में विथ क्या हो गया प्रीपोजिशन, और आउट हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये दोनों मिलके विदाउट बन गया। तो उसी तरह से आप देखिए इसका छठा नियम है, मोस्टली एडवर्ब्स आर फॉर्मड बाई प्रीपोजिशन, अधिकांशतः एडवर्ब जो है वो प्रीपोजिशन से बनते हैं। जैसे देखिए देयर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इन प्रीपोजिशन है, दोनों मिलके देयर इन बन गया। हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इन जुड़ गया, हियर इन, देयर बाई, देयर फॉर, फ्रॉम, देयर टू, देयर ऑन, देयर विथ, देयर आफ्टर, देयर अपन, देयर ऑफ, हैंस फोर्थ, हैंस फॉरवर्ड, ये सभी एडवर्ब बने हैं प्रीपोजिशन और एडवर्ब के मिक्सचर से। देखिए देयर आर सम एडवर्ब्स विच आर फॉर्म्ड विथ कंजंक्शन, कंजंक्शन के सहयोग से भी अधिकांश एडवर्ब का निर्माण होता है। बाई एंड बाई, देखिए एंड से जुड़ के बाई एंड बाई ये एडवर्ब बन गया। अगेन एंड अगेन ये टाइम ऑफ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है और एंड से जुड़ गया तो ये एडवर्ब बन गया। फार एंड वाइड, फार एंड नियर, फार एंड अवे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नाउ एंड अगेन, नाउ एंड देन, ऑफ एंड ऑन, ये सभी एडवर्ब बने हैं कहीं ना कहीं रूप से कंजंक्शन से जुड़ के। देखिए एंड है सभी के बीच में तो ये कंजंक्शन से जुड़ के ये एडवर्ब का निर्माण हुआ है। अब देखिए विथ द हेल्प ऑफ दी और ही और हु के मदद से भी एडवर्ब्स का निर्माण होता है। जैसे देखिए दी से क्या बनता है, देयर बनता है जो प्लेस को दर्शा रहा है, थीथर बनता है जो मोशन को दर्शा रहा है, उधर से जाइए उधर, और मतलब गतिशील को दर्शा रहा है, और दी से देंस भी बनता है जो उधर से इसका हिंदी होता है मतलब वहां से जाइए, गति को दर्शा रहा है, और दी से देन भी बनता है मतलब तब ये टाइम को दर्शा रहा है, और मैनर 10 मैंने इस प्रकार होता है मैंने आचरण को दर्शा रहा है, और ही से देखिए हियर बन गया ये भी प्लेस को दर्शा रहा है, हीथर बन गया ये मोशन को दर्शा रहा है, मोशन टू को बना रहा है, और हेंस बना है, देन बना है, 10 बना है, ये सभी ही से बना है। हु से देखिए वेयर बन गया, वीथर बन गया, वेंस बन गया, वेन बन गया, हाउ बन गया। तो इस तरह से दी ही और हु से एडवर्ब्स का, ये सभी एडवर्ब्स का निर्माण हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मैं आपका सेवा हमेशा करता रहूंगा, और यही हमारी कामना है कि आप पढ़ें और बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।